राधे राधे एवरीवन, अनबॉक्सिंग बाइट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं ब्यूटी गर्ल कंपनी के बैकपैक का, जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए है। तो चलिए फटाफट से करते इसे ओपन और देखेंगे इसकी सारी डिटेलिंग्स। तो यहाँ हमने बैग को कर लिया है अनबॉक्स और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट लुक आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप बात करेंगे फ्रंट की तो यहाँ पे आपको ब्यूटी गर्ल कंपनी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसके अलावा पूरे बैग में चारों तरफ आपको फ्लावर के टेक्सचर देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस बैग को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 1,099 रुपये। और इसके साथ ही इसकी साइज़ की बात करें तो वो है 30 लीटर की। अब बैग की कलर की बात करें तो ये मैंने पीच कलर का बैग मंगाया है। इसके अलावा इसमें दो कलर ऑप्शन और भी हैं, जो कि आप विजिट करके देख पाएंगे। अब बात करें इसके फ्रंट से, हम बात करते आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रनर की क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे ब्यूटी गर्ल की ब्रांडिंग भी बनी हुई है। इसके अलावा मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ कुछ किस तरीके की है। तो ठीक है, तो इस बैग में आपको टोटल दो मेन कंपार्टमेंट, जैसा कि आप देख सकते हो एक यहाँ, दो मेन कंपार्टमेंट और एक सब कंपार्टमेंट मिल जाएगा। तो मैं आपको बारी बारी से इसको दिखाता चलता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये आपको पहला सब कंपार्टमेंट, एक छोटा कंपार्टमेंट है, ठीक है। इसकी डेप्थ आप देख सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको दो पाउच मिलेंगे इंटरनल, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर आप दो पेन यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। अब बात करें इसके सेकेंड कंपार्टमेंट, सॉरी इसके फर्स्ट मेन कंपार्टमेंट के, तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट मेन कंपार्टमेंट है। साथ ही आप यहाँ पे आपको दोनों साइड ही रनर मिल जाएंगे चैन के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी आप देख सकते हो। और ये है इसका फर्स्ट मेन कंपार्टमेंट। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ अंदर में हल्का हल्का ब्यूटी गर्ल का आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जा रहा होगा, मे बी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से पूरे अंदर आपके इनर में पूरा यही टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मेन सेकंड कंपार्टमेंट की, तो कुछ इस तरीके से ये है इसका मेन सेकंड कंपार्टमेंट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपको सिर्फ सेकंड वाले में एक ही रनर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर दो रनर नहीं है, जबकि फर्स्ट वाले में, इस वाले में आपको दो रनर मिल जाता है कुछ इस तरीके से। लूप की बात करोगे तो लूप यहाँ पर आपको कपड़े का मिल जाता है, क्वालिटी काफ़ी सही है। अगर यहाँ पे आप हैंडल की बात करोगे तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छे तरीके से फोम की कोटिंग हुई है, बहुत ही बढ़िया पैडिंग है। तो बिग थम्स अप फॉर ब्यूटी गर्ल कंपनी। साइड्स की बात करोगे तो यहाँ पर आपको एक वाटर बॉटल कैरी करने के लिए सेक्शन मिल जाएगा, साथ ही इसके दूसरी तरफ भी एक और वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हो बड़े ही आराम से। नीचे की अगर हम बॉटम की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल टेक्सचर डिज़ाइन के साथ प्लेन मिलेगा, रैम कवर के साथ ये बैग नहीं आता है। अगर बैग की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं फोम की कोटिंग। तो यहाँ पे जो पैडिंग है, जो फोम की कोटिंग है, वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, बहुत ही जेन्युइन लगा मुझे। तो यहाँ पर मुझे कोई शिकायत नहीं है, बट हमेशा की तरह आप हमेशा बेटर फील करते हो, तो मे बी ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट इट्स ओके। और अगर आप यहाँ पे पैडल्स की बात करें, यहाँ पे हैंडल्स की बात करें, तो ये काफ़ी कमाल का है, काफ़ी अच्छे तरीके से। और ये जो टेक्सचर है ना, ये इसे और काफ़ी सुंदर बना देता है। यहाँ पे आपको ब्यूटी गर्ल की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्वालिटी इसकी देख सकते हो, स्टिचिंग की क्वालिटी किस तरीके से आपको देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके का है। मैं खींच के देखता हूँ इसको ना। ओके, तो क्वालिटी आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाएगी इस प्राइस रेंज में और इस टेक्सचर के साथ, तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। कुछ इस तरीके का ये एक ओवरव्यू रिव्यू था। आगे के सेक्शन में मैं आपको इसमें कुछ बुक्स रख के दिखाऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इसमें कुछ टोटल कितनी बुक्स आ सकती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में।
सो इस पे बुक्स रखने के पहले आप इसका इंटीरियर स्टिचिंग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर स्टिचिंग की क्वालिटी है। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटीरियर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये पूरा बैग पॉलिस्टर का बना हुआ है और यहाँ पर आपको हल्का प्लास्टिक रैगजीन दोनों ही वाटर बॉटल के साइड्स में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक क्वालिटी चेक साइन मिल जाता है, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आपको ये प्रोडक्ट ओरिजिनल और ऑथेंटिक मिला है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटीरियर और इसकी स्टिचिंग क्वालिटी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए रखते हैं बैग में हम अपने बुक्स को और देखते हैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है और इस बैग में मैंने टोटल कितने बुक्स रखे हैं, वो सारी लिस्ट मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ के फाइनल सेक्शन से हम शुरू करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम रखते चलेंगे। यहाँ पर बुक की थिकनेस भी देखिएगा ना कि कितनी थिकनेस है बुक की। ये है फर्स्ट, आफ्टर दैट ओके, नाउ इसमें हम रखते हैं सेकंड कंपार्टमेंट में, यहाँ पे आप अपना टिफ़िन बॉक्स कैरी कर पाओगे बड़ी आराम से, या फिर और भी चीज़ें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, सॉरी ये यहाँ पे अटक रहा था, ओके, और ये हो गया आपका वाटर बॉटल होल्डर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बाद इसमें आपको टोटल कितना स्पेस मिलता है। यहाँ पे इतनी जगह आपको और मिल गई है, तो आप काफ़ी आराम से अपनी चीज़ों को कैरी इसमें कर पाओगे। तो ये छोटा सा वीडियो था ब्यूटी गर्ल बैकपैक का। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई से भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर करने की। और अगर आप कोई पर्टिकुलर बैग का अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। राधे राधे।